होली आने वाली है, सबको हैप्पी होली। और होली में तो सबसे अच्छी मिठाई जो होती है वो गुजिया ही होती है। लोग बाहर से भी लाते हैं गुजिया, तो मैंने घर पर ही इसे ट्राई किया है। मैंने सोचा कि आपके साथ भी गुजिया की रेसिपी शेयर की जाए, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं गुजिया। गुजिया की फिलिंग के लिए मैंने 50 ग्राम बादाम लिए हैं, 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम सूजी, 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम किशमिश। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम छोटा छोटा काट लेंगे, बिल्कुल बारीक। ये हमने पैन लिया है, इसमें हम आधा चम्मच घी डालते हैं, हल्का हल्का करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है, देखिए इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, देखिए ब्राउनिशनेस भी आ गई इसमें हल्की सी। इसी पैन में हम आधा चम्मच घी और ले लेंगे, उसमें हम ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर लेंगे। इसकी आंच जो है ना वो धीमी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये जल जाएगा। बस इसे हल्का सा ही रोस्ट करना, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये कड़क ज़्यादा हो जाएगा। इसे सूजी वाले बर्तन में ही हम इकट्ठा निकाल लेंगे। अब हम इस कोकोनट को भी थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा ही भूनना है इसको। अब हमारा ये कोकोनट भी भून चुका है, इसे भी हम उसी बर्तन में ही निकाल लेते हैं। ये मैंने खोया लिया है, अब इसे भी हम भून लेते हैं ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए, अच्छे से इसको मेल्ट कर लेना। ये थोड़ा टाइम जरूर लगता है, थोड़ी पेशेंस का काम है, तो ये आराम से करना पड़ता है इसको। ये देखिए मेल्ट हो गया ना। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ही आपने मेल्ट करना है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तभी तो मैंने बोला है ये बहुत पेशेंस का काम है। इसे हम कटोरी में अलग से निकाल लेते हैं। इस सारे मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, इसमें हम देसी घी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मैंने इसमें 50 ग्राम के करीब घी डाल दिया है, ये देखिए मुट्ठी बननी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपने इसको टाइट आटा गूंदना है, हल्का हल्का पानी डालकर आपने इसको करना है, एकदम से नहीं ज़्यादा पानी डालना। इतना ही सख्त हमने आटा गूंदना है, देखिए। फिर इसको 10 मिनट हमने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट बाद ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगा काफ़ी, तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी तैयार करते हैं। एक खुले बर्तन में मैंने 250 ग्राम चीनी ले ली है, ये मैं अंदाजे से नीचे नहीं आई हूँ, प्रॉपर 250 ग्राम ही है। इसमें मैंने 250 ml ही पानी डाला है। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब इसमें हल्का सा ये चिपचिपापन आ गया है, बस इतना ही हमने पकाना है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए अब रख देते हैं। अभी हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, इसमें हम खोया डाल देते हैं। आधी कटोरी के करीब मैंने शुगर पाउडर लिया है, ये भी इसी में मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस मिक्सचर में हम थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी सौंफ भी डाल देते हैं।
सारा मिक्सचर जो है एक सार हो जाना चाहिए। ये हमारा मिक्सर जो अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए देखिए बिल्कुल खोया जो है वो मिक्स हो गया। हमने जो आटा लगाया उसको देखते हैं, देखिए सॉफ्ट हो गया। अब इसको दोबारा से हम मैश कर लेते हैं अच्छे से, ताकि इसमें क्रैक ना हो, एकदम मुलायम कर लेना। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। ढाई सौ ग्राम आटे से हमने 15 गोले तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम बेल लेते हैं। इसकी जो साइड्स हैं वो पतली रखनी है आपने। गुजिया बनाने के लिए मैंने ये सांचा लिया है, इसके ऊपर हम आपकी पूरी रख देंगे। इसको हल्का सा नीचे दबा देंगे और इसमें फिलिंग डालेंगे, उतनी ही फिलिंग डालेंगे जितनी इसमें समा सके। दोनों तरफ फिलिंग डालेंगे। अब इसकी साइडों पे हमने पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, नहीं तो ये खुल जाएगी। जब आप तलेंगे इसको तो ये खुल जाएगी। इसे बंद कर देते हैं, अच्छे से दबाते हैं और जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम बाहर निकाल देंगे। ये बड़े आराम से निकल जाता है। अब मैं इसको खोलती हूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया बन गई। अगर आपके पास सांचा ना हो तो इस तरह की कटोरी भी ले सकते हैं आप, उससे परखी और ऐसे दबा दें, साइड वाला आप निकाल दें, इसमें फिलिंग डालें। साइड में पानी लगा दें। इसे अच्छे से प्रेस करें साइडों से और फोक की हेल्प से इसे अच्छे से बंद कर दें ताकि ये खुले ना। हमने सारी गुजिया फिलिंग भर के तैयार कर ली है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है और इसे हल्का ही गर्म करना है, तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि जब हम गुजिया डालेंगे वो ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन बीच में से कच्ची रह जाएगी। तो हम डालते हैं इसमें गुजिया। इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमारी गुजिया गोल्डन ब्राउन हो गई है, देखिए दोनों तरफ से हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल कर तुरंत ही चाशनी में डुबो देंगे। इसे 5 से 6 मिनट तक दोबारा रहने दीजिए ताकि अंदर तक चाशनी चली जाए। इसी तरह से हम बाकी गुजिया भी तल लेते हैं। गुजिया चाशनी में अच्छी तरह से फिल हो चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं। अब हमारी ये गुजिया सर्व करने के लिए रेडी है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।